नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। सावधान सावधान सावधान, आने वाली 48 घंटों का समय, यानी कि दोस्तों आने वाले अगले जो दो दिन का समय है, यह समय आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय जो बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय एक साथ दो बड़ी घटना होगी। एक तरफ आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ आप सभी को सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आप सभी की खुशखबरी पर दुश्मनों की नज़र लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जलने वाले यश में आपके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करने की कोशिश में है, और यश में आपको कैसे सावधान रहना है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखना है। और दोस्तों, आप देखिए आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी को माता रानी एक बड़ी खुशखबरी देंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे महत्वपूर्ण समय को हाथ से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आने वाले समय जीवन भर आप पछताते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में वो लोग दस्तक देने वाले हैं, वह औरत दस्तक देने वाले हैं, जो कि आपके जीवनकाल को पूरी तरह बर्बाद करके रखा है। जी दोस्तों, यही औरत ने आप सभी को पिछले कई समय से तबाह करके रखा है। जी दोस्तों, इन्होंने आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रही है, और बहुत समय से आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रिया करवा रही है जिनसे आप सभी का जीवन बिल्कुल ही तबाह हो जाए, जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, और कैसे इनसे बच सकते हैं, उन सभी के लिए हम आपको एक मूल मंत्र देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होगा। तो दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, और बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों ये मंत्र बिल्कुल ही सिद्ध मंत्र है। अगर आपने गलती से भी अपने जीवनकाल में इनका प्रयोग सही तरीके से कर लिया, तो दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही अमर हो जाएगा, और जो भी शत्रु है जो आपको पिछले कई समय से बर्बाद करना चाह रहा है, इनका सर्वनाश होगा, और आप सभी के जीवनकाल में धन सुख संपदा सब कुछ आएंगी। एक प्रकार से कहें कि जीवन बिल्कुल ही खुशियों में खिलखिला उठेगा। बहुत सारी खुशियाँ आप सभी को प्राप्त होगी, जिनकी आप कामना करते हैं, जिनके लिए आप हमेशा मेहनत करते हैं। जी दोस्तों, बस वह समय आ गया है जब हम आप सभी को इनका समाधान बताने वाले हैं। बस इनमें आपका थोड़ा सा योगदान होगा कि अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों, ध्यान से देखने के बाद इन्हें आपको ध्यान से समझना भी है। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं इस वीडियो में, उन्हें आपको ध्यान से समझकर अपने जीवनकाल में उपयोग करना है। जी दोस्तों, और कोई सा भी पाठ आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा दोस्तों आपको आपके हाथों से चूक हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को पहले ही बताते हैं कि वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, इन्होंने आपको पिछले कई समय से तबाह करके ही नहीं, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही स्वाह कर दिया है, एक प्रकार से कहें ख़त्म ही कर दिया है। अब कुछ ही खुशी आप सभी के जीवनकाल में बाकी है, वो भी ये छीनना चाहती है, तो दोस्तों संभलना आवश्यक है। दोस्तों, यही एक औरत है जिनका नज़र आपके घर परिवार पर लगा है, जिनके कारण आप अपने जीवनकाल में इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इतनी सारी परेशानियाँ, एक ना एक परेशानियाँ आप सभी के जीवनकाल में आती ही रहती है। दोस्तों, एक परेशानी अगर आपके जीवनकाल में ख़त्म हो जाती है, दोस्तों एक और नई परेशानी आप सभी के जीवनकाल में आ जाती है। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर दोस्तों, आपने इतना बुरे कर्म तो नहीं किए हैं? दोस्तों, इंसान है, कभी कभार एक दो गलती हो ही जाते हैं, ईश्वर उन्हें सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साथ ऐसी परेशानियाँ और लगातार आपके ही ऊपर। दोस्तों, सब लोग तो यहाँ पर ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप दिन रात मेहनत करते हैं, सब कार्य सही ढंग से करते हैं, फिर दोस्तों लास्ट में देखते हैं कि वह कार्य असफल हो गया है, और आप अपने जीवनकाल में लगातार परेशान ही चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से, कई सालों से कुछ लोग परेशान हैं। दोस्तों, इन सभी का जड़ यही है। दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल के सबसे बड़ा दुश्मन बस एक ही यह औरत है। जी हाँ दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हम आप सभी को उस औरत के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस औरत ने आप सभी के जीवनकाल में क्या किया है वो भी बताने वाले हैं, और दोस्तों उनसे आपको मुक्ति कैसे पाना है दोस्तों उनके बारे में हम आपको जड़ से बताने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको एक दो ही बात बता दी। जी हाँ दोस्तों, पूरे जड़ से आपको कैसे सभी समस्याओं से मुक्ति पाना है। जी दोस्तों, उन सभी के बारे में बात करने वाले। सर्वप्रथम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले माँ भद्रकाली का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। माँ भद्रकाली का नाम लेकर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी दोस्तों, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों आपको तभी ये उपाय काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों उन्हीं के जीवनकाल में ये उपाय काम करने वाले हैं। जी दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी शावर सिद्धि मंत्र देने वाले हैं, जो भी उपाय देने वाले हैं दोस्तों, वो केवल ही केवल इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उन्हीं को मिलने वाली है, उन्हीं को काम करेगी। जी दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवनकाल में आपकी राशि के जो भी लोग होते हैं दोस्तों बिल्कुल ही स्वच्छ इंसान होते हैं, दिल के साफ होते हैं, काम में बहुत ज़्यादा मन लगाकर कार्य करते हैं, और जीवनकाल में हमेशा सफलताओं को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जितने भी लोग हैं दोस्तों, वे कभी भी किसी कार्य को लेकर डरते नहीं हैं। दोस्तों, किसी से आप लोग मतभेद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अपने जीवनकाल में आप बहुत ही मग्न रहते हैं, किसी से आपको कोई मतलब नहीं रहता है, ना ही दोस्तों आप किसी से दुश्मनी करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी का दिल और मन इतना साफ है कि दोस्तों दूसरे को मुसीबत में पहुंचाने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, कई बार आपके सामने कोई मुसीबत व्यक्ति में पड़ा रहता है, कोई मुसीबत लेकर आपके सामने आ जाता है तो दोस्तों उनकी मदद करने के लिए आप अपना ही काम छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, ऐसे नए के दिल के आप इंसान होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? इतने साफ इतने नेक दिल होने के बावजूद भी लोग आपके ही पीछे पड़ते हैं, लोग आपके ही दुश्मन बनते हैं। और दोस्तों, दुश्मन वो बनते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है कि दोस्तों व्यक्ति अपने जीवनकाल में बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की दुआएँ ले रहा है, लेकिन दोस्तों आप जिनके लिए इतना मेहनत करते हैं, जिनको दोस्तों आपने अच्छा बनाने के लिए दोस्तों इतना सारे किए, लेकिन दोस्तों आप अंत में देखते हैं कि दोस्तों वही आपका दुश्मन बनते जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, जो व्यक्ति आपके साथ रहकर आपसे सब कुछ सीखे हैं, जो लोग दोस्तों आपके साथ आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, जो लोग आपके काम को देखकर दोस्तों अपने काम की शुरुआत की है एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, आपके जीवनकाल में जो लोग आपके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन दोस्तों वो लोग आपके लिए अब दुश्मन बनते जा रहे हैं। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, जिन लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा समय निकाले हैं, दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपने काम से मतलब रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलबी होते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी की राशि के जितने भी लोग होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों दूसरे को दुख देख नहीं पाते हैं। हमेशा दोस्तों आप लोग सहयोगवादी होते हैं। जी दोस्तों, आप लोग कभी किसी के ऊपर छल नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी लोग दोस्तों आपके ऊपर ऐसा छल करते हैं कि दोस्तों आपको दिल से बुरा लगता है, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों रूह कांप जाती है। दोस्तों, ऐसी बातें आप सभी के जीवनकाल में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवनकाल में एक ऐसी औरत है जो कि दोस्तों पिछले कई महीनों से आप सभी के जीवनकाल में आपके प्राणों के पीछे पड़ी है, एक प्रकार से कहे दोस्तों आपके घर परिवार को इन्होंने तंग करके रख दिया है कई सालों से। अजय दोस्तों, और अब आप सभी के जीवनकाल में ये ऐसी विद्याएं का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का घर क्या पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब हम शमी पर आ गए हैं, इनके सारे तोड़ हम आप सभी को बताने वाले हैं। इन्होंने जो भी जाल आप सभी के जीवनकाल में बिछाए हैं दोस्तों, उन सभी का तोड़ हम आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हें तोड़ने के लिए आपको हमारा मदद करना होगा। अजय दोस्तों, इनमें आपको हमारा मदद करना ही होगा, तभी दोस्तों हम इनकी बाधाओं को, इनके जो भी संकट है जो इन्होंने आपके ऊपर फेंका है दोस्तों, उन्हें हटा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप हमें अगर सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप हमें हमारे साथ देना चाहते हैं
ताकि दोस्तों इस शत्रु को हम आपकी झुनकाल से हटा दें। तो दोस्तों सहयोग के रूप में आप बस हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, हम ये बात आपको दिल से कहते हैं क्योंकि दोस्तों हमने आप सभी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत समयों से दोस्तों ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है जो कि दोस्तों आपकी झुनकाल से परेशानी चली जाए, ऐसी मंत्रों का उपयोग किए हैं। और दोस्तों अंत में हम आप सभी के झुनकाल में ऐसी मंत्रों को तैयार किए हैं जिनसे दोस्तों इस शत्रु का विनाश होना निश्चित है। दोस्तों ये चीज़ होकर रहेगा, दोस्तों इन्हें कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हाँ जी दोस्तों, इसलिए आपको भी हमारा सहयोग करना ही होगा। दोस्तों ये आपका कर्म होगा। दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा कर्म किए हैं, बहुत ही नेक दिल के आप इंसान हैं, इसलिए दोस्तों एक नेक कर्म यहाँ पर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को आगे देखिएगा। जी दोस्तों, तभी दोस्तों ये जो दोस्तों हमारा प्रार्थना है, अगर आप हमारी प्रार्थना को कबूल करेंगे तो दोस्तों आगे जो भी हम मंत्र आपको बताएंगे वो दोस्तों हमारे दिल से मंत्र होगा और वे मंत्र आप सभी के झुनकाल में कार्य करेंगे। क्यों दोस्तों, मंत्र ऐसे होते हैं, टोने टोटके ऐसे होते हैं दोस्तों, ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। दोस्तों ऐसे नहीं है कि यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं, दोस्तों ये मंत्र प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। जो लोग इन पर यकीन करेंगे दोस्तों उन्हीं को फल मिलेगा। दोस्तों अगर कोई गुरु आपको कोई मंत्र दे रहा है तो दोस्तों उन्हें गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको दान दक्षिणा भी देना होता है। जी दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें कि हमारे लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा आभार रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, तो दोस्तों अब आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हमने बहुत दिनों से ऐसे मंत्रों का निर्माण किए हैं, ऐसे मंत्रों की हमने खोज किया है। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जीवन काल में ये सारे मंत्र देने वाले हैं, सारी विधियाँ आपको बताने वाले हैं, ताकि दोस्तों ये जो औरत है, ये जो दुश्मन है आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन है, जो पिछले कई सालों से आपके जीवन काल में लगे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ महीनों से इन्होंने आपको ऐसा तंग कर दिया है कि दोस्तों आपके सारे कारोबार रुक गए हैं, घर परिवार आप सभी का बिल्कुल ही तबाहशा हो गया है। दोस्तों आपके जीवन काल में इतनी सारी परेशानी एक साथ आ रही है कि दोस्तों दुश्मन को भी ना आए आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन दोस्तों ये परेशानी अभी आपके जीवन काल में आ रहे हैं। दोस्तों कई बार आप ऐसे तंग हो गए हैं कि दोस्तों खुदकुशी करने को भी आपने सोचा है, लेकिन दोस्तों हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी राशि के कोई भी लोग ऐसे कदम बिल्कुल ना उठाए। दोस्तों ये कदम बिल्कुल ही कायरता वाले कदम होते हैं, जो लोग दोस्तों मुसीबत से लड़ नहीं पाते हैं वे ऐसे कार्य करते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल ऐसे कभी भी मत सोचिएगा। जी दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप बस अंत तक देखिए। दोस्तों हम आपकी झुनकाल की हर एक परेशानियों का समाधान बताने वाले हैं, हर एक वह चीज़ आपके लिए हम करने वाले हैं जो कि दोस्तों शायद किसी ने अभी तक आपके लिए नहीं किया होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपके झुनकाल में आपने इतने सारे धोखे खाए हैं कि दोस्तों अब आपको किसी पर भरोसा होता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों अब एक बार से आप हम पर भरोसा कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों अवश्य आपके झुनकाल की हम एक बात सत्य बताने वाले हैं, दोस्तों इन पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ क्यों करते हैं, आखिर आपको बंधन में क्यों रखते हैं, आपके शरीर को क्यों बांध देते हैं। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो लोग शत्रु होते हैं दोस्तों वे आपके शत्रु पहले नहीं होते हैं, दोस्तों वे आपके अच्छे इंसान होते हैं, आपके साथी होते हैं, लेकिन दोस्तों राह पर चलते 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 जब दोस्तों आप सफल हो जाते हैं और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, आप तरक्कियों को छूने लगते हैं और वह व्यक्ति उतना तरक्की नहीं कर पाता है जितना आप करते हैं, तो दोस्तों वह व्यक्ति आपसे जलने लगता है कि यह इंसान हमारे साथ रहता था और आज ये हमसे आगे जा रहा है। आपकी तरक्की को देखकर वह इंसान जलने लगता है और दोस्तों वो भी मेहनत करता है, और जब वो बराबरी नहीं कर पाता है तो दोस्तों वे आपको खींचने का प्रयास करते हैं, दोस्तों आपसे जलने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना से दोस्तों इतना हद तक गिर जाते हैं कि दोस्तों वह इंसान आपको कई बार मारने तक भी सोच ली है, तो दोस्तों इससे बड़ी सी और कौन सी बात हो सकती है। और दोस्तों आप सभी को साफ साफ हम एक बात बता दें कि आप बहुत सारे ऋषि लोग होते हैं जो पूछते हैं कि वह स्त्री का आखिर नाम क्या है, आप हमें नाम बता दीजिए। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम उनके नाम नहीं बता सकते हैं, दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है। हम जानते हैं कि वह स्त्री कौन है, हम जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से,
लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपको वह नाम बता देंगे तो दोस्तों आने वाला जीवन काल के लिए आपके लिए भी बुरा होगा और दोस्तों आने वाले लोगों के लिए आपके भविष्य के लिए भी बुरा होगा। इसलिए दोस्तों हम आपको संकेत से बताते हैं, बहुत ही सटीक संकेत देते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोस्तों हम बहुत दूर से बताते हैं। दोस्तों हम आपको बताए भी पिछली वीडियो में और यह वीडियो में भी बता दें कि जो स्त्री है जो आपके ऊपर जादू टोना करती है, आपसे जो जलती है, आपके घर परिवार से जो जलती है, दोस्तों इनके नाम का पहला अक्षर क्या है दोस्तों हम आपको वह भी बता देते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों इस औरत के नाम का पहला अक्षर शुरू होता है STQRGLMBOACDOH। दोस्तों इन्हीं में से एक अक्षर है, दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, एक अक्षर है जो कि आपके लिए आपके जीवन काल का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों आप इनसे पहचान जाइए, और दोस्तों अगर आप इनसे भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इनसे आप पहचानते आपको लगता होगा तो ये नाम तो बहुत ही है, लेकिन दोस्तों हम आपको एक और बड़ी संकेत बता दें कि ये औरत जो है आपके घर के दाहिने या फिर बाएं तरफ की है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाएं या फिर दाहिने तरफ की है यह औरत, और दोस्तों ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलती है। दोस्तों जब आप रात को सोते हैं, ये सोते नहीं हैं, ये आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। कई बार दोस्तों इन्होंने तांत्रिक को बुलाकर भी आपके जुनकाल में बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ करवाई है, मशान घाट पर जाकर आपके नाम का इन्होंने जप करवाया है, आपके घर परिवार को बंधन में बांध रखा इस औरत ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कार्य आपके कार्य को भंग कर दिया है, आपके जुनकाल में परेशानियों को ऐसा छोड़ दिया है कि दोस्तों आप लोग कोई भी कार्य को सोच नहीं पाते हैं, एक से एक नई मुसीबत आप सभी के जुनकाल में आती रहती है। और दोस्तों इस प्रकार आपके घर को इन्होंने, आपके शरीर को, आपके पूरे परिवार को बांध रखा है कि दोस्तों विभिन्न प्रकार की समस्याएं आप सभी के जुनकाल में आ रहे हैं। दोस्तों इतनी समस्याएं आ रहे हैं कि दोस्तों वे आप खुद ही जानते हैं, दोस्तों ये समस्याएं आप किसी को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लोग आपसे जल रहे हैं, अगर आप इन समस्याओं को उन्हें बताएंगे तो वो लोग और हंसेंगे। वो लोग तो वही चाहते हैं कि आप समस्याओं में रहें और वो खुश हो जाएं, क्योंकि दोस्तों वे आपके सफलताओं से जलते हैं, जब आप दुखी रहेंगे तभी दोस्तों वो हंसेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बंधन तोड़ने के, जो स्त्री ने आपके ऊपर मंत्र मार रखी है, दोस्तों इस मंत्र को तोड़ने के लिए आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस मंत्र को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही मन लगाकर, दोस्तों बिल्कुल ही आप दिल की गहराई से सुनिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की वह तोड़ बताने वाले हैं जिनसे आपके जीवन काल की हर तोड़ टूट जाएगा, हर एक मंत्र टूट जाएगा। दोस्तों बंधन जो होता है, जो आपके ऊपर मंत्र मारती है, दोस्तों वो बंधन बहुत प्रकार के होते हैं। दोस्तों बंधन चार प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि पहला बंधन धन बंधन होता है, दूसरा बंधन कोख बंधन होता है। दोस्तों धन बंधन कई बार कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, वह अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं जिसके कारण दोस्तों वह अपना घर परिवार चलाते हैं, अपने जुनकाल में कार खरीद लेते हैं, अपने जुनकाल में बहुत सारी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन उनके जुनकाल में जो दुश्मन होते हैं वह उनके ऐसे आगे बढ़ने से ईर्ष्या करने लगते हैं और इसी कारण वो जलते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं, और तांत्रिक क्रिया के प्रयोग से उस व्यक्ति के पास जितने भी धन होते हैं, धन आने के जो भी रास्ते होते हैं, उन्हें ही बांध देते हैं, उन सारे रास्तों पर रोक लगा देते हैं और व्यक्ति के जीवनकाल में धन की हानि होने लगती है। इसे दोस्तों धन बंधन कहते हैं। और दोस्तों दूसरा जो होता है वो कोख बंधन होता है। दोस्तों कोख बंधन महिलाओं की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जब भी किसी महिलाओं को बच्चा होने को होता है तो दोस्तों कई ऐसी स्त्रियाँ या फिर पुरुष भरोसा के भाव से महिला की कोख में तांत्रिक क्रिया करवा देती है और उन्हें बांध देती है, जिसकी वजह से महिला की बच्चा पैदा
नहीं होते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट में बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन तांत्रिक क्रिया के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शादी तीसरा व्यवसाय बंधन। दोस्तों वैसे तो बंधन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों व्यवसाय बंधन लगाना बहुत ही दुखद घटना है। जब भी व्यक्ति एक दूसरे से जलता है या फिर उसका दोस्तों खाया हुआ धन देख नहीं पाता है, जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या करने लगता है, ऐसी ईर्ष्या की भावना से उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया से उनके सारे व्यवसाय के रास्ते बंधवा देता है। दोस्तों व्यवसाय उनके धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, सभी ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और जातक के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। दोस्तों चौथा होता है शरीर बंधन। जी हाँ दोस्तों व्यक्ति को बता दें कि जब भी उनके ऊपर शरीर का बंधन करता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए दोस्तों आपके ऊपर वह शरीर का बंधन करवा देता है, जिनसे या दोस्तों आप कोई सोच नहीं सकते थे। जी दोस्तों, आप कोई भी मन मुताबिक अपना कार्य कर नहीं सकते हैं। दोस्तों आपका पूरा शरीर नश्वर हो जाता है, बिल्कुल ही कुछ कर नहीं सकते अपना मति के अनुसार। दोस्तों अब वो जो चाहेगा वही करेगा। जी दोस्तों, वो चाहेगा आप घर में अच्छे रहें तो अच्छे रहेंगे, वो चाहेगा आप इस कार्य में असफल हो जाएं तो दोस्तों आप किसी न किसी तरह उस कार्य में असफल हो जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऐसे होता है शरीर का बंधन। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों उस औरत ने आपसे भी किए जीवन काल में की है, आपके धन के बंधन में भी उन्होंने किए। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों सभी बंधन उन्होंने आपसे भी के जीवन काल में कर रखे हैं। जी दोस्तों, और एक नहीं दोस्तों बिल्कुल 3 से 4 तांत्रिक को उन्होंने बुलाया है। दोस्तों रविवार की रात को ही ऐसे तांत्रिक क्रियाएं आपसी के जीवन काल में किए हैं, जिनके कारण दोस्तों आपसी का जीवन इतना ज़्यादा ग्रसित हो गया है, एक प्रकार से कहीं इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया है कि नकारात्मक साया आपसी के जीवन काल में चलते रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपसी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात आपको बताने वाले, जो उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, इसके बारे में आप किसी को भी भूल कर भी मत बताइएगा, वरना दोस्तों ये मंत्र आपको काम नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात हम आपको पहले बता देते हैं, और दोस्तों एक बात हम आपको फिर से बताते हैं कि चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, कि दोस्तों हम इस चैनल के सभी मंत्रों का श्रावण सिद्ध इस प्रकार किए हैं कि जो भी भक्त इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी के जीवन काल में ये मंत्र काम करे। जी दोस्तों, हम माता काली से बस इन्हीं सभी बातों को रखकर इस मंत्र को सिद्ध किए हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी दोस्तों, ये विधि आपके जीवन काल में अवश्य ही काम करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पूरे विस्तार से वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मंत्र बता दें, दोस्तों सबसे पहले आपको खुद को खोलना है। इस स्त्री ने सबसे ज़्यादा जो टोटके किए हैं वो दोस्तों आपके ही नाम से किए हैं, हजिए दोस्तों, जिनसे आपकी बहुत सारी मति खिन्न हो गई है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने शरीर को बंधन मुक्त करने के लिए कौन से मंत्र का उपयोग करना चाहिए। हजिए दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, यह मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, यह मंत्र इस प्रकार है, अल खोलूं, बल खोलूं, जल खोलूं, थल खोलूं, धरती आकाश खोलूं, चलता हुआ योगी खोलूं, घर व्यापार खोलूं, गद्दी बैठा बनिया खोलूं, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छिंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की लटा टूट भूमि पे परे, शब्द साँचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वर वाचा, शतनाम आदेश गुरु का। दोस्तों हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए दोस्तों इस मंत्र का आपको प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों आप शिव को बता दें कि इस मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना है, उस विधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए आपको एक दिन का चुनाव करना होगा, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन रात्रि 10 बजे से शुरू करना है। जी दोस्तों, दूसरा मंगलवार के दिन रात्रि 10 बजे आसन लगाकर
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन आप ये क्रिया को कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, आप जिस भी जगह आसन लगा रखकर बैठते हैं वह जगह एकांत होनी चाहिए। एकाग्र मन से मंत्र का आपको जाप करना है। जी दोस्तों, तभी यह मंत्र ज़्यादा असर करेगा। दोस्तों आसन पर बैठने के बाद आपको एक रुद्राक्ष की माला लेना है और उस माला से 11 माला जप करना है। अगर आप चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। उसके पश्चात साधक को गणेश भगवान की पूजा करनी है और गुरु मंत्र की एक माला जाप अवश्य करना है। अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है तो दोस्तों भगवान शिव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय। जी दोस्तों, भगवान शिव भी गुरु है इसलिए उन्हें भी आप गुरु मान सकते हैं, ये भी आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही दोस्तों, व्यक्ति जब भी इस मंत्र का जाप कर रहा है उस व्यक्ति को उस समय चौमुखी दीपक अपने सामने प्रज्वलित करके रखना चाहिए। उसके साथ ही गूगल लोबान का धूप भी जला लेना है। जी दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग आपको लगातार 11 दिन तक करना है। उसके पश्चात आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब आपकी साधना सफल हो जाए तो आखिरी दिन आपको मिठाई का भोग लगाना है और उस प्रसाद में गुलाब के 4 फूल चढ़ाने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग जिस भी स्त्री को बंधन में लाया गया है या फिर आपको भी लाया गया है, आपको तो लाया ही है, तो दोस्तों उसका प्रयोग करके आप इनका लाभ उठा सकते हैं। जी दोस्तों, इन सभी को खुद पर भी छिड़कें और जिन पर भी दोस्तों किया गया है उन सभी पर छिड़कें, घर के जितने भी सदस्य हो, इनसे दोस्तों आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हर बंधन को खोलने का मंत्र अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इस मंत्र के प्रयोग से अपनी दुकान के बंधन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके पर आपके शरीर पर जो भी चुन किया है छुटकारा मिल जाएगा। इस मंत्र से ये मंत्र बहुत ही भाग्यशाली है। इसके प्रयोग करने से कोख बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है, धन बंधन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही व्यवसाय में जितने आपके कार्य रुके हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, घोर तांत्रिक क्रिया किया है तो दोस्तों उन सभी से भी छुटकारा मिलता है। ये सभी को तोड़ने वाला मंत्र है। जी दोस्तों, और ये जो औरत आपके ऊपर पिछली कश्मीर से तांत्रिक क्रिया कर रही है, एक रही दोस्तों 4 तांत्रिकों को बुलाकर आपके ऊपर इन्होंने तांत्रिक क्रिया किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो मंत्र आपको बताए हैं तो दोस्तों इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। जी दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले ही इस चैनल से जुड़ना है, तभी दोस्तों यहाँ से बाहर जाना है। जी दोस्तों, जो आपने हमने आपको मंत्र बताए हैं दोस्तों, ये सारे साबर सिद्ध मंत्र हैं जो कि दोस्तों हमने पिछले कई समय से सिद्ध किए हैं। अपने सारे इस चैनल के जो भी परिवार हैं दोस्तों, सभी के साथ इस मंत्र को हम अभिमंत्रित किए हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, तभी दोस्तों इस मंत्र आप सभी की झुनकाल में काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने जो मेहनत की है दोस्तों, उन सभी को आप देखकर इस वीडियो को भी लाइक किए होंगे और शेयर भी उन्हें उनके पास कीजिएगा दोस्तों, जो आपके लिए सबसे खास व्यक्ति है, जो कि दोस्तों आपके दुश्मन ना है। जी दोस्तों, बात का ध्यान रखेंगे, दोस्तों दुश्मन है तो उसके पास शेयर नहीं करना है। जी दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आने वाला समय आपके लिए भगवान सारी खुशियाँ आप सभी को दे जो कि आप मांग रहे हैं। धन्यवाद।